हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड पापा। तो शुरू करते हैं आज के बॉलीवुड बुलेटिन का। ISI ने फिल्म नाम शबाना की रिलीज पर रोक लगाई। जी हाँ, पिछले दिनों पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने फिल्म दंगल में फिल्माए गए भारतीय राष्ट्रगान और ध्वज पर आपत्ति जताई थी, और पिछले दिनों नाम शबाना पर भी सिर्फ इंडियन स्पाई मूवी होने के कारण उस पर आपत्ति जताई, और इन सब के पीछे ISI का हाथ है। जी हाँ, इस आपत्ति के तहत फिल्म दंगल के एक्टर आमिर खान का कहना है कि वे फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं करने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट बुलेटिन, IPL के आज होने वाले मैच में दिशा पटानी परफॉर्म करने वाली है। जी हाँ, इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के ओपनिंग सेरेमनी में दिशा पटानी और सिंगर हर्षदीप कौर परफॉर्म करने वाली है, और उनके साथ में 300 डांसर्स भी साथ में परफॉर्म करने वाले हैं, और वे बॉलीवुड मैशेस पर परफॉर्म करने वाले हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि दिशा पटानी और सिंगर हर्षदीप कौर ने 3 घंटे तक लगातार परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस की है, और ये प्रैक्टिस उन्होंने होलकर स्टेडियम में ही की थी। मूविंग टू द नेक्स्ट बुलेटिन, पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि राखी सावंत को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन कल राखी सावंत ने पूरी मीडिया के सामने ये क्लेरिफाई किया कि उन्हें कोई पंजाब पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो वाल्मीकि जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी वो टिप्पणी नहीं थी, उनका एक उदाहरण था जो कि उन्होंने किताब में से पढ़ा था। साथ ही साथ राखी सावंत का ये भी कहना था कि वो एक सिर्फ मामूली सी इंसान है, ना ही वो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसी फेमस है कि वह पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो। मूविंग टू द नेक्स्ट बुलेटिन, फिर साथ में नजर आएंगे दीपिका और रणवीर। वैसे तो दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की है, शायद यही कारण है कि उन्हें फिल्मों और कमर्शियल में ज्यादा पसंद किया जाता है। सोर्सेज की माने तो इस बार फिर रणवीर और दीपिका एक कमर्शियल एड में साथ में नजर आने वाले हैं। एक ब्रांड ने रणवीर को अप्रोच भी किया है और इसमें रणवीर ने उनकी दिलचस्पी भी दिखाई है। मूविंग टू द लास्ट बुलेटिन, विनोद खन्ना पिछले दिनों से बीमार चल रहे थे और इसी कारण वे हॉस्पिटल में एडमिट थे। वैसे आपको बता दें, उनके शरीर में पानी की कमी होने के कारण वे बीमार थे, और आपको बताना चाहेंगे वहीं उनकी एक हॉस्पिटल की फोटो वायरल हुई थी जिसमें वे बेहद ही कमजोर नजर आ रहे थे। और आज के लिए इतना ही, और भी ज़्यादातर बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड पापा। दिस इज विशाल साइनिंग आउट।